अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश बाश राजी बाजी जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम फास्ट लाहौर। अच्छा यार, सबसे पहले तो ना किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने से पहले ना सिर्फ ये नहीं देखना कि यार डिग्री कौन सी है या उसका क्या स्कोप है, यूनिवर्सिटी कितनी मशहूर है क्या, उसका ना हर एस्पेक्ट से देखना आपने कि उसकी कैंपस लाइफ कैसी है, उसकी फैकल्टी कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट, मतलब हर एंगल से उसको देखना है। सिर्फ ये नहीं कि यार पुरानी यूनिवर्सिटी है या इस तरह तो मतलब आपने हर एंगल से यूनिवर्सिटी को परखना है और मेक श्योर करना है कि आप जब यूनिवर्सिटी में जाओ तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी नो हाउ हो, और ऐसा ना हो कि यार बस एडमिशन हो गया तो आ गए। तो किसी भी जगह पे आपने जाने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा जो है उनको मेक श्योर करना है, उनमें सबसे पहले डेफिनेटली यही होगी कि जो डिग्री आप करने जा रहे हैं वो हर यूनिवर्सिटी में ऑफर होती है। लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग ही है, लाहौर में सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ऑफर होती है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सबसे पहले UET का नाम आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस, उसके बाद फास्ट का नाम आता है, उसके बाद UCP, UOL, UMT ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज आती है जहाँ से सिविल इंजीनियरिंग होती है। लेकिन जो मतलब मोस्ट प्रेफरेबल, जो मोस्ट बड़े ही मशहूर नाम जिसे आप कह सकते हैं, उसमें UET आती है और डेफिनेटली फास्ट एक आती है। फास्ट की सिर्फ लाहौर कैंपस में होती है सिविल इंजीनियरिंग, और फास्ट का जो सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई है उसमें लाइक 2011 या 2012 से स्टार्ट हुई है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत पुरानी है, लेकिन ये भी एक नई ही यूनिवर्सिटी तकरीबन 10 साल या 11 साल इसको होने वाले हैं। तो अभी जो मार्केट का इसका एक जो हर रेपुटेशन तब बनती है जब आपकी यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियर्स हैं वो ग्रेजुएट होकर मार्केट में जाते हैं, उसके बाद उनके बारे में एक राय बनती है कि यार इस यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स कैसे हैं, इस यूनिवर्सिटी के इंजीनियर कैसे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फास्ट के बारे में अच्छी ही राय है अभी तक के जो बच्चे हैं, डेफिनेटली वो एक बड़े ग्राइंडिंग प्रोसेस से होके आते हैं तो उनको काम शाम आता होता है। ओवरऑल भी देखा जाए तो हम भी जब अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी लाइक दूसरी यूनिवर्सिटी से तो हमें यही पता चलता है कि यार हम पे तो बहुत प्रेशर है, दूसरी यूनिवर्सिटी वाले चिल बैठे हैं। तो ये जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है ना जिसके थ्रू हम गुजर के लाइक बड़ी मुश्किल से डिग्री कम्प्लीट करते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर हो रहा था जो हमें शायद उस वक्त महसूस नहीं होता, बाद में इसका डेफिनेटली फ़ायदा महसूस होता, लेकिन एट द प्रेजेंट आपको बहुत वो फील होता है कि यार क्या हो गया। अच्छा ओवरऑल देखा जाए ना तो सिविल इंजीनियरिंग जो है ना डेफिनेटली वो एक फील्ड की इंजीनियरिंग है, मतलब आपने ऑफिस में बैठ के ज़्यादा काम नहीं होता, फील्ड का काम ज़्यादा है, ऑफिस वर्क भी होता है लेकिन उसको भी सीखने के लिए आपको फील्ड से होकर ही आना पड़ेगा तो आपको समझ आएगी। तो डेफिनेटली ये फील्ड आ गई तो काम जो ज़ाहिर है धूप भी होगी, गर्मी भी होगी, बारिश भी होगी, उस सब में आपने अपने आप को देखना। तो सिविल इंजीनियरिंग जो है इसको ऑप्ट करने से पहले आपने ये ज़रूर अपने जहन में डाल लेना कि यार ये एक ना बड़ी ही ड्राई किस्म की फील्ड है, ड्राई इन द सेंस कि यार इसमें कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, बाहर फील्ड्स हैं, रोड्स बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी और इस तरह की चीज़ें होंगी। अच्छा सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग है क्या, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग असल में मैंने भी जब ऑप्ट की थी तो मुझे इसका इतना नहीं पता था, लेकिन जब मैं आया हूँ मेरे 3 साल गुजर गए हैं तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी नोहाव, मतलब थोड़ी थोड़ी तो नहीं है तो खैर पता चल गया, लेकिन दूसरे सेमेस्टर के बाद आपको ना थोड़ी बहुत पता चलने लगता है अच्छा यार ये वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग या बिल्डिंग बना देंगे, नक्शे बना देंगे। नक्शे वाले सिविल इंजीनियर्स नहीं होते, होते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो इसमें ये नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स है। सिविल इंजीनियरिंग में फिजिक्स बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपकी मैथ्स और फिजिक्स अच्छी है तो आप ये समझ सकते हैं कि यार हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स सारा जो है ना, ये सारा जो कोर्स है, सारा जो डिग्री है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो डेफिनेटली जब आप पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर से जो आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे उसी को आप आगे लेकर चलेंगे और 8वें सेमेस्टर तक आपकी जो वो बेस बनी होगी उसकी बेस पर ही आप एक अच्छे या बुरे इंजीनियर कहलाएंगे। तो इस मामले में जो है फास्ट में जो बेस वाला सीन है ये बहुत रगड़ा वाला सीन होता है। अगर आप बहुत सुस्त भी है ना तो अगर आप पास होना चाह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ने, और जो कुछ ना कुछ आप पढ़ेंगे उससे डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ बेस बनेगी, मतलब बिल्कुल ही आप नालायक भी है ना तो आपकी कुछ ना कुछ बेस बाकी यूनिवर्सिटी से बेहतर होगी। अच्छा अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मैंने सिविल इंजीनियरिंग रखनी है फ्यूचर में, ठीक है, और उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो यार इसके बारे में, इसके कोर्सेज के बारे में एक दफ़ा आप थोड़ी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, PRC, इस तरह के सब्जेक्ट्स लाजमी देखिएगा, वाटर के सब्जेक्ट्स देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि यार शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं है। मैं जब आया था सिविल इंजीनियरिंग में तो मुझे लगता था यार शायद कुछ ड्राइंग्स और इस तरह की होंगी कि मतलब हमने बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी है, और इस तरह का मेरा जहन था। लेकिन जब मैं आया तो मैंने कहा यार ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और जहाँ पे एक दफ़ा भी मतलब एक सेमेस्टर में भी अगर आप ढीले पड़ गए, कॉन्सेप्ट्स ख़राब हुए, तो अगले सेमेस्टर में आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो पिछले कॉन्सेप्ट भी ख़राब है, तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा।
तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको इसकी बेस पे ही आपकी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। अच्छा, इसके बाद आपने ना जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ पे आपने देखना कि यार इस यूनिवर्सिटी से मैं कर तो लूँगा डिग्री, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की दुनिया में लाइक क्या पोजीशन है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इनकी क्या रिकग्निशंस हैं, या क्या रिसर्च कितनी की है, या जिससे हम नर्स की बात कर सकते हैं, यूईटी की बात कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। तो ये पूरी दुनिया में जो है ना, इनकी डिग्री बहुत अच्छे से एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें UMT, UOL, UCB वगैरह हैं, ये अभी अभी इस चैनल पे आना शुरू हुई है, फास्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं इनको UPSC की तरफ से, HEC की तरफ से एक्रीडेशन मिलती है वॉशिंगटन अकॉर्ड की, जिसमें एक लेवल्स होते हैं, लेवल 1 या लेवल 2 की डिग्री मिलती है। तो फास्ट, UMT, UCB, UOL ऐसी यूनिवर्सिटी जो हैं इनको अभी अभी रिसेंटली ये एक्रीडेशन मिलने लगी हैं। ठीक है, नस्ट और UET जैसी यूनिवर्सिटी जो हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रिकगनाइज है, इनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैमाने पर रिसर्च है, तो डेफिनेटली उनकी एक्रेडिटेशन भी हुई है। आप डिफरेंट ममालिक में जब भी जाते हैं अपनी डिग्री लेकर, तो वहाँ पर इनको एक्सेप्ट किया जाता है। टेस्ट वगैरह फिर भी होते हैं, लेकिन बस एक लेवल होता है कि यार आपने लेवल 1 की डिग्री की है, लेवल 2 की डिग्री की है। खास जो है उनको इस साल वॉशिंगटन अकॉर्ड सेकेंड लेवल की एक्रेडिटेशन मिल गई है, तो इससे पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, किसी हायर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दैट डेफिनेटली विल हेल्प। उसके अलावा थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यार आप लोगों को कि यहाँ की लाइफ कैसी है एज ए इंजीनियर फास्ट में। फास्ट में यार देखो, ये क्योंकि एक बहुत ही फील्ड वाली इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, तो ये डेफिनेटली इसमें लैब वर्क बहुत ज़्यादा होता है, अपने लेबॉरेटरीज़ का काम करना होता है। हर सब्जेक्ट की थ्योरी के साथ साथ लैब्स मोस्टली सब्जेक्ट्स ही होती हैं, तो डेफिनेटली अगर आप अगर दिन में एक क्लास ले रहे हैं तो आपकी उसी हफ्ते में कोई ना कोई लैब भी होगी। किसी सब्जेक्ट की 2 लैब्स भी होती हैं, किसी सब्जेक्ट की 1 लैब भी होती है। एक लैब जो है वो 3 घंटे की होती है, तो वो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि एक थका देने वाला प्रोसेस होता है कि यार आप एक सुबह 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 यूनिवर्सिटी जाओ और रात को 5 बजे 6 बजे फारिग होकर वापस आओ। बाकी जो फास्ट डिग्रीज हैं लाइक BBA, अकाउंट एंड फाइनेंस, उसमें लैब्स वगैरह इतना वर्क नहीं होता, तो उसमें आप सुबह जाते हैं, कंजेक्टिव क्लासेस होती हैं, 1 बजे 2 बजे आप फारिग होते हैं, देन यू आर फ्री टू गो वेयर यू वांट टू गो। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप सुबह आते हो और उसके बाद आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं, उसके बाद आपकी लैब्स होती हैं, तो वो काफ़ी लाइक पूरा दिन जो है ना आपको उसमें गुजर जाता है मोस्टली। तो ओवरऑल अगर बात करें कि यार मैं रिकमेंड करता भी हूँ या नहीं, तो यार देखो सिविल इंजीनियरिंग अगर करनी है, आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मतलब 3-4 ही यूनिवर्सिटी हैं जिनका आपके जहन में नाम होना चाहिए, नस्ट होनी चाहिए, UET होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में, और अगर कराची से हैं आप, तो वहाँ पर NET बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें, अगर आपका होता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपका फास्ट में हो जाता है तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरा 3rd ईयर है और ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि फील्ड में, मार्केट में आपकी एक पोजिशन अच्छी है, एक आपको काम सिखाते हैं यूनिवर्सिटी वाले, काम इन सेंस के जो थ्योरी वर्क का कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ज़रूरत होती है जिनकी, क्योंकि मेन काम तो आपने फील्ड में जाकर सीखना होता है ना। देखिए हमारी ये फील्ड डिग्री ऐसी है कि आप जितना भी पढ़ लें, जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे ना तो आप नहीं लें, क्योंकि देखिए आपने जाकर किस तरह मजदूरों के साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह एक लेमैन से आपने काम करवाना है, आपको तो सब कुछ पता है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, उसने तो सिर्फ वही ईंटें उठानी रखनी है, मिस्त्री जो है, लेकिन आपने उनको गाइड करना है यार A to Z के, यार ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें आपका काम है। अगर एक स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो उसके जिम्मेदार उस वक्त का जो भी इंजीनियर होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वो होगा। तो ये एक इंजीनियर का काम होता है कि वो मेक श्योर करे कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली हो रही है, ठीक है। तो इसको आपने जहन में रखना है कि ये फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है इसमें, और मेन चीज़ आपको जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी देती है, बाकी आप फील्ड में जाकर ही सीखते हैं। अच्छा, आखिरी पॉइंट है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा, वो ये है कि यार बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार स्कोप क्या है, स्कोप है फास्ट की सिविल इंजीनियरिंग का नहीं। ये पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि यार स्कोप ना किसी भी डिग्री का नहीं होता, किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं होता, स्कोप एक इंसान का होता है, ठीक है। अगर आपको काम आता है, आपके कॉन्सेप्ट सच्चे हैं, आपको नो हाउ है फील्ड की, आपको सब कुछ ओवरऑल एक अच्छे से पता है, तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जॉब वगैरह मिल जाती है, ठीक है। जॉब्स बहुत होती हैं, काम नहीं आता होता लोगों को, तो कोई क्यों आपको हायर करेगा, ठीक है। और एक चीज़ जो हमारे जहन में बैठ चुकी है कि यार पाकिस्तान में जॉब नहीं, इसको तो फिलहाल जहन से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने अपने अब अगर आपको 1 लाख रुपए की जॉब नहीं मिल रही ना, इसका मतलब ये है कि आपका लेवल ही नहीं है 1 लाख रुपए। आप अपने आप को उससे बेहतर करें, या फॉर द टाइमिंग उससे कम की ट्राई करके वहाँ पर अपने आप को सेटल करें। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर, जिसमें हार्ड वर्क, आपकी लग भी बहुत मैटर करती है, आपका आपके आपके कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं, आपको कितनी नो हाउ है, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर एक आपको स्किल सेट देती हैं, जिसकी बेस पर आपको जॉब मिलती है। GPA जो है वो आपका पहली जॉब में मैटर करता है, उसके बाद 2nd 3rd जॉब में आपको कोई पूछेगा नहीं GPA का, ना ये कोई पूछेगा
यार क्या सीन है, क्योंकि बस आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा यार बंदे ने यहाँ पे इतना काम किया तो ये हमारा काम कर सकता कि नहीं। सो दैट वॉज इट आई गेस फॉर नाउ। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या किसी भी और फास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दीज क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।